गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह, QTFM 5.5 दिल में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ आज के मुख्य समाचार लेकर के। सरकार और पार्टी बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे उद्धव। महाराष्ट्र में सियासी संकट, ठाकरे ने बागियों पर साधा निशाना, कहा बगावत के पीछे भाजपा। गुजरात दंगे, नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट पर सुप्रीम मोहर। अधिकारियों की निष्क्रियता व नाकामी, अल्पसंख्यक खिलाफ साजिश नहीं। द्रौपदी मुर्मू ने किया नामांकन, प्रधानमंत्री मोदी बने प्रस्तावक। राष्ट्रपति चुनाव, राजनाथ व अमित शाह भी रहे मौजूद। कोरोना संक्रमण के केस एक दिन में 38% बढ़े। दिल्ली, महाराष्ट्र में संक्रमण की गति तेज, 17,336 नए मामले मिले एक दिन में। सक्रिय मरीज 88,284 हुए। कहीं बारिश ने दी राहत तो कहीं उमस से आफत। अगले 2-3 दिनों में मानसून की गोरखपुर में दस्तक देने की संभावना। यूक्रेन को मिला EU के उम्मीदवारों का दर्जा। यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने का पहला पड़ाव पार। रूस के साथ और बढ़ेगा तनाव। पत्थरबाजों से निपटेगी जिला पुलिस की विशेष टीम। विशेष टीम एंटी राइट फुल बॉडी प्रोटेक्टर इक्विपमेंट में हुई लैस, चारों तरफ से होंगे सुरक्षित। यश शुभम के शतकों से मध्य प्रदेश पहली पारी में बढ़त से 7 रन दूर। रणजी ट्रॉफी फाइनल, मुंबई के पहली पारी के 374 के जवाब में बनाए 3 विकेट पर 368 रन। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। कल फिर लेकर के आऊँगी इसी समय मॉर्निंग में, तब तक के लिए नमस्कार।